चाहिए आधा कटोरी घी। दूध लेंगे हम आधा लीटर। भुनी हुई सेव लेना हमें थोड़ी सी। शक्कर लेंगे हम एक कटोरी। थोड़े से किशमिश लेना है। थोड़े से बादाम लेंगे। थोड़े से काजू लेंगे। आधा चम्मच इलायची पाउडर लेना है। सूजी लेंगे हम आधा कटोरी से भी कम। और साबुदाना लेंगे आधा कटोरी। इसे हमें 2 घंटा भिगा के रखना है। सब में पहला तो हम दूध को उबालेंगे। तो मैंने गैस पे रख चुकी हूँ, इसे अच्छा उबाल आने देंगे। दूध में हमारे उबाल आ चुका है, अभी गैस को कम करेंगे और चम्मच से इसे हमें 5 मिनट तक पकाना है। तो हम गाढ़ा करेंगे दूध को, हल्का गाढ़ा करना है हमें। तो इसे चम्मच से चलाते रहे 5 मिनट तक अच्छे से। दूध हमारा हल्का गाढ़ा हो चुका है, अभी हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो आप अपने हिसाब से चीनी ऐड कीजिए, जितना आप पसंद करते हैं। चीनी ऐड करने के बाद दूध में हम इसे अच्छे से घोलेंगे और इसे पिघलने देंगे। शक्कर हमारी दूध के साथ में अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अभी हम गैस को बंद करेंगे और खीर बनाना शुरू करेंगे। मैंने टोप रखी हूँ, टोप को गर्म होने देंगे। इसमें मैं घी को ऐड करूंगी। पहला हमें थोड़ा सा घी मिलाना है, ज्यादा नहीं। तो मैं 1 चम्मच इसमें घी ऐड करूंगी। घी को गर्म होने देंगे और उसके बाद में हम इसमें सूजी पहले ऐड करेंगे। हमें सूजी को थोड़ा हल्का भून के लेना है। तो गैस को कम रखेंगे और इसे हल्का भून के लेंगे। सूजी हमारी भून के तैयार है, अभी इसमें सेवई डालूंगी मैं। ऐड करेंगे, इसे भी मिला देंगे हम सूजी के साथ में। फिर इसमें साबुदाना ऐड करूंगी, इसे भी मिक्स कर लेंगे और इसे भी हमें भूनना है 1 मिनट तक कम आंच में। साबुदाना, सेवई और सूजी हमारी भून के तैयार है, अभी हम गैस को कम रखेंगे। इसमें हमें दूध को ऐड करना है जो हमने पका के रखा है। तो धीमी आंच में दूध थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और चम्मच से चलाते रहेंगे। बस इस तरीके से हमें करना है। अभी आंच को तेज करेंगे और खीर को अच्छे से पकने देंगे। खीर हमारे अच्छे से पक चुकी है, साबुदाने के दाने भी अच्छे से पक गए। अभी इसमें हम इलायची पाउडर को ऐड करेंगे, इसे भी मिला देंगे। खीर हमारी तैयार है, हम घी का तड़का देंगे। अभी तड़के के लिए मैंने टोप रखी हूँ छोटा सा, इसमें मैं अभी घी को ऐड करूंगी। तो फिर से हमें 1 चम्मच घी को ऐड करना है। इसमें मैं किशमिश डालूंगी। घी को थोड़ा गर्म होने देंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं किशमिश को ऐड करूंगी। कटे हुए काजू डालने हैं थोड़े से और बादाम डालेंगे कटे हुए। इसे थोड़ा 1 मिनट तक भूनेंगे हम। हल्का ब्राउन करना है हमें। ड्राई फ्रूट हमारे हल्के ब्राउन हो चुके हैं, अभी हम गैस को बंद करेंगे और ये खीर के अंदर डालेंगे। बस मिला देंगे और इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। लीजिए, तैयार है हमारी साबुदाना खीर। इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।